जब भी कोई आदमी मुझसे कुछ लेने आता था, मुझे एक चीज क्लियर है, वो मुझसे खाली उतना ही ले जा सकता है जितना मेरा उससे देना था, उसके ऊपर एक रुपये नहीं ले जा पाएगा। आप यहाँ पर आए, आप बोलते हैं कि मैं आपसे 10 लाख लूँगा, लेकिन मेरा आपसे उधारी केवल 1 लाख का है, तो आप उसके ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ वापस देने से, कर्म बन गया। आपने मुझे पैसे दिए हैं 5,000 रुपये और वापस मांग रहे हैं, और मेरे मन में बात आई, अरे यार क्यों देना पड़ रहा है मुझे वापस, कर्म बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको मैं कहता हूं अघोर तंत्र लेफ्ट हैंड पाथ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ऋण बंधन। बड़ा अच्छा शब्द है, जिनोगा में हम लोग उसको अलग तरीके से समझते हैं, और अच्छा है कि उसको अलग तरीके से ही समझें। हम उसको पढ़ते हैं कर्म की तरह। उसका वीडियो मैंने आज एडिट करना शुरू किया है, इतना प्रिसाइज वीडियो था वो अलग ही रखिएगा। इसे ऋण बंधन और कर्म अलग अलग रखिएगा। जब कर्म नाम का डिश खाना हो तो जनोगा से पढ़िएगा, और ऋण बंधन समझना हो तो अघोरा से समझिएगा। थाली अघोरा पढ़ेंगे आप तो डरेंगे, और डर से विजडम नहीं आती, डर से समझदारी नहीं आती। जैसे कोई गाड़ी चला रहे हैं या कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो डर के मारे नहीं करते आप, धीरे धीरे जानते हैं, आपकी बॉडी जानती है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम लोग यहाँ पर ऋण बंधन को समझें, ना कि डरें। विमलन ने जो स्टोरीज लिखी हैं वो उन लोगों के लिए लिखी थी जो कम बुद्धि वाले हैं। छोटे बच्चों को या किसी भी बंदे को जब आप डरा करके कोई काम कराते हैं तो एक लेवल ऑफ स्टुपिडिटी चाहिए उसके लिए। जैसे अभी मैं और बड़ी मम्मी इनको खाने के लिए बोल रहे थे कि पिज़्ज़ा मत खाओ, तो दोनों डर गए कि रात को बड़े पापा ने देख लिया। बट मैं चाहता हूँ गौरी, वैभव, श्रीशा, जो भी बच्चे खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, दे शुड स्टार्ट सीइंग द इंटेलिजेंस बिहाइंड। आज हम लोग ऋण बंधन में पढ़ने वाले हैं प्राइमल डेप्ट, सबसे पहला उधार, दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे पहला उधार। विमलानंद पूछते हैं कि इस दुनिया में पैदा होने का पर्पस क्या है। तो आमतौर पे तो हम लोग यही मानते हैं कि पैदा होने का पर्पस है खुद को पहचानना, अपने आप को ये जानना कि ना ही तो मैं शरीर हूँ, ना ही तो मैं मन हूँ, बल्कि मैं एक एटर्नल सोल हूँ, एक अल्टीमेट रियलिटी हूँ। चाहे आप उसको आत्मा कहिए, परम पुरुष कहिए, ब्राह्मण कहिए, जो कहिए। बट सवाल ये है कि कोई भी आदमी इस दुनिया में पैदा कैसे होता है, वो कौन सी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को जन्म लेने पर मजबूर करती है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म इन सभी चीज़ों का जड़ है, लेकिन जब कोई इनसे पूछता है कि वो कर्म का शुरुआत कैसे हुआ, तो बोलते हैं कर्म तो भैया हमेशा से था, एटर्नल है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अगर कर्म एटर्नल है, हम अनंत काल से कर्म चला आ रहा है, तो उसमें से कोई बाहर कैसे निकल पाएगा? विमलानंद कहते हैं कि लॉ ऑफ कर्म न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरह है। हर एक एक्शन इक्वल लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन कॉज करता है, और एक्शन और रिएक्शन में बहुत फर्क नहीं है। खाली फर्क ये है कि जब एक्शन होगा उसके कुछ देर बाद रिएक्शन होगा। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझिए, कॉज एंड इफेक्ट। पानी गर्म किया तो भाप बनेगा। विमलानंद कहते हैं कॉज इज इफेक्ट कंसील्ड। कॉज, कोई भी चीज का कॉज, इफेक्ट है छुपा हुआ। इफेक्ट इज कॉज रिवील्ड, और जब कोई चीज इफेक्ट है तो वो एक कॉज रिवील्ड है। एग्जाम्पल के लिए, आप एग्जाम में फेल हो गए, वो एक इफेक्ट है किस चीज का? एक कॉज का, कि आपने भाई पढ़ाई नहीं किया, जो कुछ भी किया। आप मोटे हैं तो वो एक इफेक्ट है किस चीज का? पिज्जा खाया था रात को। और वहीं पर कॉज क्या है? आप बैठ करके लेट्स से जूस पी रहे हैं, तो वो जूस क्या है? एक इफेक्ट कंसील्ड, एक मोटा आदमी जो छुपा हुआ है, अभी दिख नहीं रहा है। आप पतले दुबले हैं, कोको कोला पी रहे हैं, लेकिन वो पतला दुबला कोको कोला, एक मोटा सा आदमी छुपा हुआ है उस कोको कोला में, एक मोटा आदमी छुपा हुआ है। या आप बैठकर टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप फेल्ड रिजल्ट है, आपके स्कूल में फेल्ड होने वाले हैं, वो रिजल्ट है लेकिन छुपा हुआ है अभी। अगर आप कॉज और इफेक्ट को एक साथ देखना शुरू कर दें तो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ कर्म आपको खाली समझ में नहीं आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। आप पूछें, अपने आप से पूछें कि जो मैं कर रहा हूं उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे भी समझिए, अगर आपने बीज को पहचान लिया तो आप पेड़ को पहचान लेंगे। अब सवाल यह है, अगर एक्शन और रिएक्शन का कोई एंड नहीं है तो
तो कोई आदमी इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकलेगा? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि खुद को रियलाइज कर लेंगे? इस हाईवे में से एक बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। और अघोरी विलंब कहते हैं, है भगवान कभी भी क्रूअल या अनजस्ट नहीं होता, वो तो इंसान होते हैं। और पता है भगवान हमको क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि हम अपनी बेवकूफ़ी, अपनी लिमिटेशन भगवान के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। अगर आप इस कर्म से निकलना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि दुनिया के सारे कर्म किसी खास चीज़ से होते हैं, उसको नाम दिया गया है कर्ज। कर्म दो लोगों के बीच में केवल तभी हो सकता है जब उन दोनों के बीच में कोई कर्ज का लेन देन हो चुका है पहले से। इसको हम लोग ऋण बंधन कहते हैं। ऋण में दो वर्ड हैं, ऋण मतलब उधार और अनुबंधन मतलब बॉन्डेज, कि दो लोग उधार के बॉन्डेज से बंधे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग पांचों लोग बैठे हुए हैं और हम पांचों एक दूसरे के साथ किसी न किसी ऋण बंधन में बंधे हुए हैं। जो मैं आपको दे रहा हूँ आपने मुझसे लिया है या वाइस वर्सा। मान लीजिए मेरे इस कमरे में मेरा पर्स रखा हुआ है और उस पर्स में से आप पैसे चुरा सकते हैं, तो इस तरह का मौका इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि पिछले जन्म में मैंने आपसे कुछ लिया था, तभी आप चोरी कर सकते हैं मुझसे। एक चोर को आपसे चोरी करने का मौका ही इसलिए मिलता है क्योंकि आपके और उसके बीच में क्या है, एक ऋण बंधन है। और अगर मान लीजिए आपका और मेरे बीच में कोई ऋण बंधन नहीं है तो आप मेरा घर नहीं खोज पाएंगे। अगर घर पहुंच जाएंगे तो पैसा ही नहीं खोज पाएंगे जहां पैसा रखा हुआ है। और अगर मान लीजिए मैं आपसे कोई चीज़ चुरा लेता हूं बजाय आपसे मांगने के, और आप मुझे उस चीज़ को खुशी खुशी देने के, मैं आपसे चुरा लेता हूँ, इसका मतलब यह है कि चांसेस तो यही है कि आपने भी मुझसे वो चीज़ चुराई थी पहले पिछले जन्म में। आपका पिछले एक्शंस मेरे मन में एक वैसा ही एटीट्यूड क्रिएट करता है। अब मुझे लगता है बचपन में मैं इतनी चोरियाँ क्यों करता था पापा मम्मी से, खूब पैसे चुराए मैंने, लोगों के जेब में से पेन चुराए हैं, पता नहीं क्या क्या चुराया मैंने। अभी कुछ दिन बाद जब आप लोग चोरी करेंगे मेरे पैसे तो यही बोलेगा, पापा उधार था, क्या यार तुम इतनी बात नहीं समझते, खुद ही पढ़ाते खुद ही भूल जाते हो। एनीवेज ये बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, बट इससे आपको आइडिया मिल गया। अब सुनिए भाई साहब, नेक्स्ट लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैंने आपसे चोरी कर ली तो वो कर्म नहीं बनता। अगर मैंने आपसे चोरी कर ली मेरे लिए, मैंने आपसे पैसा चुरा लिया तो मैं भी कर्म नहीं फंसा हूं। कर्म तभी बनेगा जब मेरा IESM उस चोरी के साथ आइडेंटिफाई करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ से फ़ोन उठाकर ले जाता हूँ और मेरे मन में इस चीज़ का आभास भी नहीं है कि चोरी हुई है, तो वो कर्म नहीं बनता। आइडेंटिफिकेशन इज द सीक्रेट ऑफ कर्मा, नॉट द एक्ट। बॉन्डेज, यस यस यस, बंधन तभी होगा। इसीलिए कृष्ण जैसा इंसान माखन चुराता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा कि वॉट इज मी। जब मैं किसी चीज़ को चुराता हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं ये बॉडी हूँ? मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जो इस बॉडी को कंट्रोल करता है, और वो चीज़ है माइंड। मैं एक माइंड हूँ। अब मान लीजिए आप मेरे कमरे में आए, यहाँ पर आपका बैग रखा हुआ है, आपने उठाया और चले गए। क्या आपने चोरी किया? नहीं, क्योंकि आपने जब उस बैग को उठाया आपके मन में उस बैग के लिए एक बात क्लियर थी कि ये बैग मेरा है। लेकिन जैसे ही आप मेरा कोई सामान चुरा के ले जाते हैं आपके मन में एक बात चलने लगती है, ये पापा का था मैं ले रहा हूँ, मैं पापा का था मैं ले रहा हूँ। वो डर इसलिए है बिकॉज आपका IESM, आपका माइंड आइडेंटिफाई करता है विथ एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग। और ये इसका मतलब क्या है? सोल्यूशन उस कर्म को हटाना नहीं है, सोल्यूशन है अपने माइंड में IESM को ठीक करना। अभी आपको समझ में आ गया, आगे चलते चलिए। अगर मैं आपसे चोरी करता हूँ आप शायद मुझे जेल में डाल दें, आप मुझे मार दें या शूट भी कर दें, लेकिन अगर मैं उस एक्टिविटी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ तो मैंने वो कर्म नहीं किया, वो केवल पास्ट का एक ऋण है जो क्लियर हुआ। हम सबका इस बॉडी के साथ एक सेल्फ आइडेंटिटी है, कृष्ण का नहीं है। कृष्ण को एक आदमी ने मारा था, जान से मारा था, पता है ना उनकी मौत कैसे हुई? किसी ने तीर मारा और मर गए। किसने मारा था? उनकी किस एक्टिविटी से मरे थे वो? पिछले जन्म में उन्होंने कुछ कर्म किया था मालूम है? क्या किया था? बाली को ऐसे पेड़ के पीछे छिप करके मारा था। बट कृष्ण के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते। फिमलान कहते हैं ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि मैंने एक चेक लिखा, 1 करोड़ रुपये का चेक काट दिया लेकिन उस पर साइन नहीं किया, तो उस चेक का कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए मैंने उसको चेक को आपको दे दिया
और आप उस चेक को लेकर गए, मैंने साइन भी कर दिया, लेकिन बैंक में वो पैसे नहीं है। आपके बैंक में पैसे? हाँ, मैंने आपको चेक दिया कि आप भाई पैसा ले लो, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। अगर मैंने आपके लिए कुछ ऐसा चीज़ करना चाहता हूँ जो आपका बुरा करना चाहता हूँ, लेकिन उसका पैसा नहीं है, ऋण नहीं है, तो नहीं कर पाऊँगा। मैं आपका बुरा तभी कर पाऊँगा जब मेरा आपसे कोई लेना होगा पिछले जन्म का, तभी मैं आपसे छीन पाऊंगा वो चीज़। केवल हमारे अहंकार के पास, ईगो के पास, आईएसएम के पास वो पावर है कि वो अपने आप को किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई कर सकती है। ये आपकी ईगो है जो 24 घंटे आपकी बॉडी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करती है और आपकी पर्सनैलिटी के साथ आइडेंटिफाई करती है। और पर्सनैलिटी क्या है? मेरे बाल ऐसे हैं, मुझे ये पसंद है। लेकिन ईगो वो भी चीज़ है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, क्योंकि अगर हमारी ईगो इस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करना बंद कर देगी तो मर जाते हैं। आईएसएम अगर इस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करती है तो इस बॉडी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी ईगो केवल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करती है, ये बॉडी जो जो करता है वो उसके साथ भी आइडेंटिफाई करती है। मतलब अगर ये बॉडी किसी से कुछ लेती है तो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और खाली मेमोरी में नहीं, वो इमोशन में भी स्टोर हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये है और मेरे पास 4 बच्चे हैं यहाँ पे, और मुझे चारों को बांटना है पैसा, तो मैं कैसे बांटूंगा? मैथमेटिक्स को कहता है कि सबको 250 मिलना चाहिए, लेकिन मैं दूंगा मेरे इमोशंस के हिसाब से। एक आदमी क्या करता है, पैसे देता है सबसे ज़्यादा अपनी बीवी को, अगर उसकी बीवी उसे प्यार करती है, उसके बाद अपने उस बेटे को जिसको वो सबसे ज़्यादा फील करता है, प्यार करता है, और सबसे कम उसको देता है जो उससे सबसे दूर रहता है। तो दूर, फील, प्यार, ये क्या है? ये हमारा IESM है, इमोशन है। इंटेलिजेंस तो थोड़ा सा है, इमोशन ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी ईगो केवल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करती है, उसके साथ एक्टिविटी के साथ भी आइडेंटिफाई करती है। अगर एक आदमी अपनी वाइफ के साथ 50 साल 70 साल बिताया है तो वो एक्शंस के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, और ईगो वो जो भी कार्मिक डेप्ट है उसको वापस नहीं देना चाहता, जो उधारी है उसको वापस नहीं करना चाहता, और इस तरह से वो अपने लिए और कर्म प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए मुझे पता है कि मेरा आपके साथ एक ऋणबंधन है, अगर मैं समझदार हूँ तो मैं ये पक्का करूँगा कि वो उधारी वापस हो जानी चाहिए। और इसका मतलब ये है कि मेरे सर के ऊपर ढेर सारे उधार थे, उसमें से एक उधार कम हो गया, और जैसे एक उधार कम हुआ मैं अपने सेल्फ रियलाइजेशन के थोड़ा और पास पहुँच गया। लोग इस चीज़ से तो बड़े खुश होते हैं कि अगर आपने मुझसे लिया है तो वापस करो, लेकिन जब मुझे आपका देना है तो चिल्लाते हैं, और जब आप वापस नहीं करते तो उससे क्या होता है, कर्म क्रिएट होता है। विमल कहते हैं मेरी कंडीशन में उल्टा था, मैं तो चाहता था भैया, एंक्शियस था कि जितने भी ऋण है वापस लेके जाओ मुझसे, क्योंकि मुझे इस बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर निकलना है। इसलिए जिस जो भी आदमी मेरे पास आता था और कुछ भी मांगता था मैं उसको वापस कर देता था, दे देता था वापस। विमलन कहते हैं चाहे वो आदमी मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दे, चाहे वो मुझे गरीब बना दे, चाहे कुछ भी, अगर वो मुझसे लेनदार है तो मैं उसको देता था। जब भी कोई आदमी मुझसे कुछ लेने आता था मुझे एक चीज़ क्लियर है, वो मुझसे खाली उतना ही ले जा सकता है जितना मेरा उससे देना था, उसके ऊपर 1 रुपये नहीं ले जा पाएगा। आप यहाँ पर आए, आप बोलते हैं कि मैं आपसे 10 लाख लूँगा, लेकिन मेरा आपसे उधारी केवल 1 लाख का है तो आप उसके ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ वापस देने से, कर्म बन गया। आपने मुझे पैसे दिए हैं 5000 रुपये और वापस मांग रहे हैं, और मेरे मन में बात आई, अरे यार क्यों देना पड़ रहा है मुझे वापस, कर्म बन गया। अभी किया नहीं कुछ बट ऑब्जेक्ट किया, मेंटली कर्म बन गया। और इसी तरह से अगर मुझे किसी से कुछ लेना है तो मैं केवल उतना ही ले सकता हूँ जितना मैं एंटाइटल्ड हूँ, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनेस्टी आई है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनेस्टी ये कहती है आप देखो, अपने बुद्धि से देखो कि कितना आपको लेना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब आपके सामने दिखाई देता है कि वो आदमी 50 करोड़ रुपये कमा चुका है और वो अपने ऊपर रोज़ 1 लाख रुपये खर्च कर रहा है, तो हमको भी लगता है कि हमारे ऊपर भी खर्च होना चाहिए। बट कॉन्सेप्ट ऑफ ऋणबंधन कहता है नो, लेट मी आस्क माई सेल्फ वट इज़ द ऋण बिटवीन दैट मैन एंड मी, मुझे कितना लेना चाहिए उससे। अब विमलन कहते हैं मेरे पास तो थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि मैं भाई तांत्रिक हूँ, मैं घोरी हूँ, मैं जानता हूँ मेरा दूसरों से कितना ऋणबंधन है। बोलते अगर आपको नहीं भी पता है कि आप दूसरों से कितना लेना है या दूसरे को आपसे कितना लेना है, तब भी आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जितना ही दूसरे से चोरी करने की कोशिश करते हो, स्कीम करने की कोशिश करते हो, उतना ही आप कर्म के गड्ढे के और गहरे घुसते जाते हो। आप फ्री रहिए, जब कोई आपको देता है तो ले लीजिए, और जब वापस मांगता है तो उसको दे दीजिए आराम से,
तो आपके धीमे धीमे ऋणबंधन खत्म होते जाएंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, विमरान कहते हैं कि जिंदगी केवल मेमोरीज है, लेकिन वो कौन सी मेमोरीज है? हमारे कई जन्मों के ऋणबंधन, और ये सारी की सारी मेमोरीज स्टोर्ड है हमारी कॉजल बॉडी में, और वहां से निकल के आते हैं इस दुनिया में पूरा होने के लिए। अगर आपने पिछले जन्म में बहुत बांटा है तो इस जन्म में आपको देने वाले बहुत से लोग होंगे। 2500 लोग जिन्होंने बेसिक कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, कितना मैंने बांटा होगा पिछले जन्म में। तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी जिएंगे उसको स्वीट मेमोरीज बोल सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं आप, लेकिन आपने पिछले जन्मों में खूब छीना है, खूब चुराया है, तो इस जन्म में आपसे लोग छीन लेंगे, चुरा लेंगे। और जो कुछ आप जिएंगे इस जन्म में उसको आप बोल सकते हैं कड़वी मेमोरीज। तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी जिंदगी क्या है? केवल मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज और खराब मेमोरीज। आज इतना ही दोस्तों।